मुझे तुम्हारी सेना ने बाध्य किया था कृष्णा को बाहर ले जाने के लिए, किंतु अब तुम्हारी बारी है बह जाने की। युद्ध घोष मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रहा है। बलराम, बलराम मैं आ गया। निहत्था, अकेला तुम्हारा सामना करने के लिए बलराम। सैनिकों, मेरी गदा लेकर आओ। श्री कृष्ण, बलराम को गधा युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। दुर्योधन की पराजय निश्चित है। अति उत्तम दुर्योधन, अति उत्तम, प्रशंसनीय। आगे बढ़ाओ दुर्योधन और उसका अंत कर दो। यह क्या असंभव है? यह बलराम जैसा गदाधारी गदा युद्ध में दुर्योधन से दुर्बल दिखे, यह नहीं हो सकता। श्री कृष्ण, अब तक दाऊ अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति और कौशल को परखने की मंशा से लड़ रहे थे, अब असली युद्ध प्रारंभ हो। समय अपनी पीठ को सीधी रखिए और संतुलन बनाए रखिए। अपने घुटनों को मोड़िए और फिर प्रहार कीजिए, पूरी की पूरी शक्ति के साथ प्रहार कीजिए। गदा युद्ध में तुम अवश्य तुमसे पराजित हो गया बलराम, किंतु इसे अंतिम युद्ध समझकर शांत मत बैठना। हम फिर मिलेंगे दुर्योधन, उस समय की मैं प्रतीक्षा करूंगा। सूचना मिली है
कि तुम्हारा भाई रुक्मी संभवतः जल में डूब गया है। क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता माँ। मेरा भाई नहीं मर सकता है, ये कोरा अफवाह है माँ। रुक्मणी, रुक्मणी। शरण हर श्री कृष्ण की जय। श्री बलराम की जय। शरण हर श्री कृष्ण की जय। श्री बलराम की जय। हम और हमारे समस्त मथुरावासी आपके आभारी हैं श्री कृष्ण कि आपने अपने प्राणों को दांव पर लगाकर हमारे मथुरा की उन अत्याचारों से पुनः रक्षा की। महाराज, 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 श्री कृष्ण शीघ्र हमारे साथ चलिए। क्या हुआ? महाराज, मथुरावासी अचानक रोग से पीड़ित हो गए हैं और कारण का भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए हम श्री कृष्ण को लेने आए हैं महाराज। चलो। मुझे खेद है मगध नरेश जरासंध कि मेरे कारण आपको हार का मुंह देखना पड़ा। मथुरा की धरती पर हम विजय ध्वज नहीं लहरा सके, क्षमा प्रार्थी हूं। दुर्योधन के हाथ जुड़कर क्षमा मांगने के लिए नहीं है बल्कि भुजाएं फैलाकर गले मिलने के लिए। तुमने जिस वीरता से बलराम से लोहा लिया है वो अत्यंत प्रशंसनीय है दुर्योधन। जय पराजय से अधिक महत्वपूर्ण है तुम जैसा मित्र दुर्योधन, जो निस्वार्थ भाव से एक मित्र की सहायता करने आ गया। इसलिए मन दुखी मत करो और आओ, आओ मेरे साथ मगध चलो। मैंने कुछ उपहार रखा है तुम्हारे लिए वहां। एक और व्यक्ति बीमार हो गया। लाओ देखता हूं। वैद्य जी, यहाँ इन सब सैनिकों का उपचार पूरी तरह से हुआ भी नहीं और ये दूसरी समस्या खड़ी हो गई। क्या हुआ वैद्यराज? इस रोगी की भी वही विधि है जिससे सभी पीड़ित हैं। घुटनों में सूजन और असहनीय पीड़ा, एक पग चलना तो दूर, धरती पर पांव रखना भी इनके लिए कठिन है। आश्चर्य है वैद्यराज, सभी के रोग एक समान। और जानते हो काना, ये सब कब से है? कब से? जब से इन सब लोगों ने किसी से तेल मांग कर लाए और उसका उपयोग किया, कोई भी औषधि कुछ भी लाभ नहीं कर रही। ऐसा करने वाला कौन निर्दयी हो सकता है काना? सुनने में आया है कि अपराधी पकड़ में आ गया है। चलो चलकर देखते कि कौन है वो। ये तो त्रिवक्र है, इसने लोगों को रोगी बनाया। जी महाराज, ये वही अपराधिनी है, लोगों को अस्वस्थ करने वाली। इसी के बेचे हुए तेल के उपयोग के कारण लोगों की अवस्था हुई है। ये झूठ है महाराज, मुझ पर लांछन लगाया जा रहा है। मैं भला किसी को रोगी क्यों बनाऊंगी? मैं तो जीवन भर से सुगंधित तेल बनाती और बेचती आई हूँ। मैं भला क्यों लोगों को हानिकारक पदार्थ बेचूंगी? तो क्या ये लोग झूठ कह रहे हैं? झूठ कह रहे, मेरी कुरूपता की वजह से लोग मुझसे घृणा करते हैं, मुझे अपशगुनी और मनहूस मानते हैं। महाराज, मेरा तीन स्थानों से अंग भंग है ना, इसीलिए महाराज मुझे त्रिवक्र भी बोलते हैं। आप अस्वस्थ रहिए, हमारे मथुरा में
किसी भी निर्दोष को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंच सकती। बस अपने निर्दोष होने का प्रमाण देना होगा। महाराज, मैं प्रमाण दूंगी। मैं अपने कृष्ण के लिए ऐसा सुगंधित तेल बनाऊंगी, सुपयोग से सिद्ध हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। काना, इस पर विश्वास मत करना। बरसों तक कंस की दासी रही है। मथुरा पर होने वाले आक्रमण में सहयोगी दलों में इसकी उपस्थिति संदिग्ध रही। नहीं काना, यदि ऐसी बात है तो तुम इसकी बनाई हुई कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं करो। सुभद्रा, बिना प्रमाण के किसी पे आरोप लगाना अपराध है। के वासियों ने मेरी अंग भंगता के कारण कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमेशा घृणा की है। मिल गया। अब कंस के हत्यारे कृष्ण के लिए इससे विशेष तेल बनाऊंगी, विशेष तेल। तुम्हें ये फूल कहाँ से मिले? फेंको इसे। वैद्यराज, आप इसे फेंकने के लिए क्यों बोल रहे हैं? ये विषैला पुष्प है, इसके स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसके रस का प्रयोग अगर किसी घोल में कर दिया जाए तो भयंकर रोग के प्रकोप से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो त्रिवक्र मेरे भाई काना के लिए इसे विषैले फूल से तेल बनाएगी? इसका अर्थ तो यही है कि वो मेरे भाई काना को मारना चाहती है। अब आप लोग विश्राम कीजिए, मैंने आप लोगों के उपचार के लिए वैद्य को बुलावा भेज दिया है। दुर्योधन भी आता ही होगा। भैया, वही तुम यहां कैसे? भैया, हमें पता चला कि आप जल में डूब गए थे, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ आ गई। और भैया, आप कुशल तो है ना? मैं कुशल हूँ रुक्मणी, तुम कैसी हो? ठीक। अरे, इनसे मिलिए, ये है हमारे मित्र नरेश शिशुपाल, और आप है मगध नरेश जरासंध। अब मैं आ गई हूं, तो आप में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं आप सबकी देखभाल करूंगी। औषधि, मैं औषधि लेकर आई।
जिस योग की हम कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे वो योग आज स्वतः ही उपस्थित हो गया। मित्र रुक में, मेरा एक परामर्श है, तनिक सोचना। क्या मगध नरेश? ये उचित समय है शिशुपाल और रुक्मणी के विवाह का। नारायण नारायण, प्रभु प्रभु, ये तो अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए, इससे पूर्व के अधिक विलंब हो जाए, प्रभु कुछ कीजिए। काना क्या हुआ? कुछ नहीं, दो कृष्णा, कृष्णा मैंने तुम्हारे लिए विशेष तेल बनाया है, अभी लगाऊं? अवश्य। जानते हो कृष्ण, आपके लिए एक बूंद ही यथेष्ट है। इतना प्रभावशाली है? ये मैंने बुना है। रुक जाओ काना! नहीं काना, ये तिल अपने हाथ में मत लो। क्यों? काना नगर के वासी जो इसके विषय में कहते हैं वो झूठ नहीं बोलते, सत्य कहते हैं। ये तेल की आड़ में विष बेचने का कार्य करती है। क्या कह रही हो तुम सुभद्रा? सत्य कह रही हूँ काना, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से इसे वाटिका में विषैले फूल तोड़ते हुए देखा था, और जिस फूल को इसने तोड़ा था उसकी वास्तविकता की पुष्टि मैंने वैद्यराज से की। सुगंधित तेल के नाम पर विष के प्रयोग से तुम्हें मारना चाहती है। सुभद्रा, तुम लोगों की भाषा बोल रही हो, मैं तुम्हें अभी अपना वास्तविक सत्य दिखाती हूँ। कृष्ण अपनी हथेली दिखाइए। नहीं नहीं काना, नहीं काना। इस सब कैसे? सब बताऊंगा, चलो मेरे साथ। मेरे लिए त्रिवक्र का बनाया हुआ यह विशिष्ट तेल न केवल तेल है, परंतु उसके साथ ही इन रोगियों के लिए यह औषधि भी है। परंतु किसी को भी इन पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई भी हृदय से इन्हें प्रेम नहीं करता है। सबके मन में इनके रूप को लेकर घृणा है, जिसका प्रमाण अभी आपने देखा। देखा हुआ मुझे कुछ? खाना, तो फिर सब लोग बीमार कैसे हो गए? व्याधि के जीवाणु के फैलने, युद्ध के कारण सभी लोग संक्रमित, ऊपर से रोग के जीवाणु इतनी तीव्र गति से फैल रहे हैं कि सभी लोग चपेट में आ गए। और वास्तविकता तो यह है कि मथुरा में और भी कई लोग बीमार हैं, जिसके विषय में तुम्हें पता ही नहीं है सुभद्रा। मथुरा में और भी लोग बीमार हैं? युद्ध काल की समाप्ति के बाद किसी भी राज्य के लिए रोग व्याधि बहुत ही सामान्य समस्या होती, क्योंकि युद्ध काल के बाद जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, अनेक अभाव का सामना करना पड़ जाता है। कुछ लोग शुद्ध भोजन के अभाव में बीमार पड़ जाते हैं, तो कुछ लोग शत्रुओं की बाण वर्षा के घाव से। इसलिए ये मत सोचो कि इस रोग का कारण त्रिवक्र है। इनमें से कई लोगों ने इनके बनाए हुए तेल का उपयोग भी नहीं किया। लोगों को इनके प्रति संदेह क्यों है जानती हो? नहीं। इसके रूप को लेकर लोगों के मन में बैठा हुआ पूर्वाग्रह पहला कारण, और दूसरा कंस के साथ इसके संबंध। और तुम भी इसको लेकर पूर्वाग्रह से ही ग्रसित हो, और तुम्हारे अवचेतन में इसका रूप इसकी बुराई का प्रतीक बनकर बैठा हुआ। मैं जानती थी कृष्ण कि जिसे मैं हृदय तल से प्रेम करती हूँ वो बिना कुछ कहे मेरी भावनाओं को समझ जाएंगे।
आपने तो मेरा उद्धार कर दिया कृष्ण। अब तुम भी अपने तेल से इन सभी लोगों का उद्धार करोगे और इन्हें इनकी पीड़ा से मुक्त करोगे। आज से लोग तुम्हें त्रिवक्र नहीं कुब्जा के नाम से पुकारेंगे। मुझे क्षमा कर दो त्रिवक्र। सभी वस्तुएं और परिस्थिति ऐसी नहीं होती सुभद्रा जैसी तुमने रणभूमि में देखी है। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पुनः द्वंद्व युद्ध की तैयारी में। ऐसा कुछ है क्या दाऊ? नहीं गाना, उसका उत्साह है जो मुझे बहुत पसंद, और यही वो कारण है कि गदा युद्ध में मैंने उसे अपना शिष्य बनाया है। तो क्या वो इसे स्वीकार करेगा दाऊ? उसने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली।